कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आ चुके हैं दोस्तों हम एक और धमाकेदार न्यू वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो YouTube के रिलेटेड है, यानी कि YouTube पे कम्युनिटी गाइडलाइन और कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है और हमें क्या नहीं करना चाहिए और किससे बचना चाहिए, कौन खतरनाक है, तो ये सब जानने के लिए बने रहिए आगे वीडियो में हमारे साथ दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों लोग न्यू चैनल क्रिएट करते हैं तो इधर उधर का वीडियो डाल देते हैं, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, स्ट्राइक आ जाता है और कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे क्यों आता है। तो अगर दोस्तों आप लोग साथ ऐसी प्रॉब्लम है, आप लोगों को किसी का वीडियो वीडियो नहीं यूज करना है, और अगर आप वॉइस ओवर भी करते हैं तो अच्छे प्रकार से वॉइस ओवर कीजिए, उसमें कुछ रहा ना जाए पूरा वॉइस ओवर कीजिए, और हो सके तो आप चैनल बनाएं तो अपना जेन्युइन कंटेंट उस पर अपलोड करें, अपना फेस वैल्यू बनाए दोस्तों। और रही बात कम्युनिटी गाइड स्ट्राइक की, तो सबसे डेंजर दोस्तों तो यही है कम्युनिटी गाइड लाइन और कम्युनिटी गाइड स्ट्राइक। अगर आपके चैनल पे 90 दिन के भीतर 3 स्ट्राइक आता है तो आपका चैनल यूट्यूब डिलीट कर देता है, डिमोनिटाइज कर देता है और हटा देता है। तो आप लोग को ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। और बात है कॉपीराइट की दोस्तों, तो कॉपीराइट से ज़्यादा खतरा नहीं रहता है दोस्तों। कॉपीराइट का मतलब यही है कि अगर आपका चैनल मोनिटाइज है, तो अगर कॉपीराइट आपके वीडियो पे आया है तो कॉपीराइट आने के बाद जो चैनल कॉपीराइट मारा होगा, सारा पैसा आपका उसके अकाउंट में चला जाएगा, आपको एक भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यही है कम्युनिटी गाइडलाइन का बात करें दोस्तों, तो उसमें ही आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये यूट्यूब देता है, यूट्यूब इसलिए देता है कि आप यूट्यूब के नियमों का उल्लंघन करेंगे, पालन नहीं करेंगे दोस्तों, तो इसलिए वो ये कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके चैनल पे अगर 90 दिन के भीतर 3 कॉपीराइट अगर आ गया तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, और पहला कॉपीराइट आपको दोस्तों वार्निंग के रूप में दिया जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, और पहले वार्निंग के बाद अगर आपका फिर से आया तो वो काउंट होगा, पहला ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ऐसा कुछ नहीं गलती करना है कि 90 दिन के भीतर आपके चैनल पे एक आए, तो आप लोग का इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं है दोस्तों, तो आप लोग ये भी प्रयास करें कि आप लोग के चैनल पे कॉपीराइट क्लेम भी ना आए। तो चलिए दोस्तों, तो वीडियो को यहीं बंद कर